Dear students, in this video of class 7, you will learn nutrition in plants. In this video, you will learn heterotrophic nutrition, parasitic nutrition, insectivorous nutrition, saprotrophic nutrition, symbiotic nutrition, replenishing nutrients in soil. This is a part 2 video of this chapter. If you have not watched the previous video, click on the I button or check the link given in the description box, in which topics like autotrophic nutrition, photosynthesis, all are covered in that video. Heterotrophic nutrition. हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, हेट्रो और ट्रॉफ. हेट्रो का मीनिंग होता है अदर एंड ट्रॉफ का मीनिंग होता है फूड या न्यूट्रिशन. वो ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर करते हैं उनको हेट्रोट्रॉप्स कहा जाता है. ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स. द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms cannot prepare their food and are directly or indirectly dependent on plants for their food is called heterotrophic nutrition. वो mode of nutrition जिसके अंदर organisms अपना खाना खुद नहीं बनाते, वो पेड़ पौधों के ऊपर या दूसरे जानवरों पर निर्भर करते हैं, उनको heterotrophic nutrition कहा जाता है. Animals and non-green plants such as fungi and bacteria cannot prepare their own food. They depend directly or indirectly on green plants for their nutrition. They are known as consumers. Animals और जो non-green plants हैं जैसे कि fungi और bacteria जो अपना खाना खुद नहीं बनाते दूसरों पर depend करते हैं उनको consumers कहते हैं. Herbivores. Herbivorous animals depend directly on plants for their nutrition. हर्बीवोरस एनिमल्स जो हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए. दे आर द प्राइमरी कंज्यूमर्स. कार्निवोर्स. कार्निवोर्स डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स विच इन टर्न डिपेंड ऑन प्लांट्स. कार्निवोर्स जो हैं वो दूसरे जानवरों पर डिपेंड करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और वो जानवर जो हैं वो इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही निर्भर करते हैं अपने खाने के लिए. कार्निवोर्स आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स. Omnivores. Omnivores depend on both plants and animals for their nutrition. Omnivores जो हैं वो पौधे और animals दोनों पर depend करते हैं अपने nutrition के लिए. Human beings जो हैं वो omnivores हैं. Decomposers. They obtain the nutrition by breaking down the remains of dead plants and animals, including some bacteria and fungi. डीकम्पोजर्स जो हैं वो डेड प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. प्रोड्यूसर्स जो हैं वो ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज हैं जो सोलर एनर्जी से अपना खाना बनाते हैं. कंज्यूमर्स जो हैं वो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए और डीकम्पोजर्स जो हैं वो डेड प्लांट्स और एनिमल्स से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. डीकम्पोजर्स जो हैं वो प्लांट्स को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं. हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज अगेन डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. फर्स्ट इज पैरासिटिक न्यूट्रिशन. Second is insectivorous nutrition and third is saprotrophic nutrition. Parasitic nutrition. Some non-green plants live in or on other living organisms and drive their food from them. Such plants are called parasites. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड और न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उनको पैरासाइट्स कहा जाता है. सम प्लांट्स लिव ऑन अनदर प्लांट फॉर देयर न्यूट्रिशन. दीज आर कॉल्ड पैरासाइट्स. कुछ पौधे जो हैं वो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर करते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और उनको पैरासाइट्स कहा जाता है. The plant from which a parasite gets its food is called a host. वो पौधा जिससे कोई parasite जो है अपना खाना प्राप्त करता है उसे host कहते हैं.
For example, Dodder cuscuta is a plant using root-like structures. Dodder या cuscuta एक parasitic plant है जिसके root-like structures रहते हैं. इसके पौधा जो है वो yellowish color में होता है. अभी आप picture में देखोगे. क्योंकि इसके अंदर chlorophyll present नहीं होती तो अपना ये खाना खुद नहीं बनाता है. जिस plant पर ये रहता है या grow करता है उससे ये अपना nutrition प्राप्त करता है. ये एक parasitic plant है. इस टाइप के ट्रीज आपने कई बार देखे होंगे. Another example of parasitic nutrition is mistletoe is a plant which grow on trees such as mango or mahua, have green leaves and can synthesize their food. They take water and mineral from host plants. They are known as partial parasites. Mistletoe जो plant है वो mango tree या mahua tree जो है उनके ऊपर grow करता है. इसके green leaves होते हैं. ये उनसे सिर्फ water और mineral जो है वो प्राप्त करता है host से. इसीलिए इसको partial parasite भी कहा जाता है. ये एक partial parasitic plant है mistletoe. Insectivorous plants. The plant kingdom also has plants that consume insects. The Venus flytrap and pitcher plant catch insects by indigenous methods. They are known as insectivorous plants. Plant kingdom में कई सारे ऐसे पौधे हैं जो insects को consume करते हैं, जैसे कि Venus flytrap और pitcher plant. इनको insectivorous plants कहते हैं. In pitcher plant, a leaf becomes modified to form a pitcher-like structure with a lid. Inside the pitcher, there are hairs pointing downwards. When an insect enters in the pitcher plant, the lid closes to trap the insect and it gets entangled in the hair. The cells of the pitcher plant secrete digestive juices to digest the insect. Pitcher plant के जो leaves हैं वो modify होके उनका एक pitcher-like structure है जिसके ऊपर एक lid भी रहती है और उसके hairs जो हैं वो downward pointing होते हैं. जब उसमें कोई insect जाता है तो उन hairs के कारण वो उसी में entangle हो जाता है और जो pitcher plant है वो digestive juices को secrete करता है जिससे कि वो insect जो है वो digest हो जाता है. Venus flytrap and pitcher plant grow in soil that is not so rich. They use the nutrition obtained from insects to supplement the food they prepare by photosynthesis. Venus flytrap और जो pitcher plant है वो ऐसी मिट्टी में grow करते हैं जिसमें ज्यादा nutrition नहीं होता है. ये पौधे insects से अपना nutrition प्राप्त करते हैं. अब जैसे कि आप picture में देख सकते हो ये Venus flytrap है. इसके अंदर ये जो ट्रिगर हेयर्स रहते हैं जैसे ही इसके ऊपर कोई इंसेक्ट आता है तो इसको क्लोज करते हैं और आसपास सीलिया रहते हैं इस टाइप से. सेप्रोट्रॉफ. सम नॉन ग्रीन प्लांट्स लिव ऑन डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड ड्राइव देयर फूड फ्रॉम देम. एग्जांपल्स आर मशरूम्स एंड फंगी एंड बैक्टीरिया. कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स जो हैं वो डेड और डिकेइंग प्लांट और एनिमल से अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं. इसके कुछ एग्जांपल्स हैं मशरूम, फंगी और बैक्टीरिया. सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. सेप्रोट्रॉफ सिक्रीट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर. दिस कन्वर्ट्स द सॉलिड मैटर इनटू अ लिक्विड. दे देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस लिक्विड. दिस मेथड ऑफ गेटिंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग matter in the form of a liquid is known as saprotrophic nutrition. Saprotroph जो है वो digestive juices dead or decaying matter के ऊपर secrete करते हैं और फिर यही जो digestive juices हैं वो solid matter को liquid में convert करने का काम करते हैं. फिर ये उस liquid से nutrients को absorb करते हैं. इस मेथड को जो डेड इन डिकेइंग मैटर को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करके उनसे न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं उसको सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है.
आपने कई बार देखा होगा कि कुछ फ्रूट्स जो हैं जब वो सड़ने लगते हैं तो वो थोड़ा लिक्विड लिक्विड उनमें से रिलीज होता है, तो उसमें भी ये सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन ही हो रही होती है, क्योंकि जो उसमें ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट्स होते हैं जिससे कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। आपने ऑरेंजेस भी देखे होंगे, उसके ऊपर एक ग्रीन ग्रीन कलर का आने लग जाता है जिसको फंगस बोलते हैं हम। सेप्रोट्रॉफ, फंगी एंड बैक्टीरिया दैट यूज दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर नोन एज सेप्रोट्रॉफ्स और सेप्रोफाइट्स। फंगी और बैक्टीरिया जो हैं जो इस टाइप के न्यूट्रिशन यूज़ करते हैं, इस टाइप के न्यूट्रिशन से वर्क करते हैं, उनको सेप्रोट्रॉफ या सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, मशरूम्स हैं जैसे, ये भी सेप्रोट्रॉफ का एग्जाम्पल है। फंगी, स्पोर्स ऑफ फंगी आर ऑलवेज फ्लोटिंग अराउंड इन द एयर। दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग व्हेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स। फंगी ग्रो ऑन शूज, क्लोथ्स, पिकल्स एंड अदर आर्टिकल्स इन वार्म एंड ह्यूमिड वेदर। फंगी के जो स्पोर्स हैं वो एयर में फ्लोट करते रहते हैं, जब वो किसी वेट यानी कि नमी वाली जगहों पर लैंड करते हैं तो वो जर्मिनेट होना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हो ब्रेड मोल्ड, और इसको जूम करके अगर देखा जाए माइक्रोस्कोप के नीचे तो इसमें इस टाइप के फंगी के स्पोर्स नजर आएंगे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वर्क टुगेदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल एल्गा विच इज एन ऑटोट्रॉफ एंड फंगस विच इज अ सेप्रोफाइट लिव टुगेदर इन लाइकिन। सिम्बायसिस, द फंगस सप्लाइज वाटर एंड मिनरल्स टू द सेल्स ऑफ एल्गा, supplies food to the fungus. Such mutually beneficial relationship is called symbiosis. Fungus जो है वो water और mineral supply करने का काम करता है, और जो alga है वो food supply करता है। तो ये जो mutually beneficial relationship है इसको symbiosis कहा जाता है, और ये lichens में हम देख सकते हैं। alga और fungus जो है वो mutually मिलकर एक दूसरे को benefit देते हैं। Replenishing nutrients in the soil, plants get their nutrients from the soil mainly, hence there is a need to replenish the soil again with nutrients so that the plants can survive on it. Plants जो हैं वो मिट्टी से nutrients प्राप्त करते हैं, और इसीलिए मिट्टी में उन nutrients को replenish करने की ज़रूरत रहती है ताकि पौधे जो हैं वो survive कर सकें। In a forest, these nutrients get naturally replenished by decaying of dead plants and animals. जंगलों में ये nutrients अपने आप naturally replenish होते हैं by dead decaying plants or animals. On a farm, these nutrients have to be added to the soil in the form of manure and fertilizers. These manures and fertilizers contain plants such as nitrogen, potassium and phosphorus. Farm है या जो खेत हैं उनके अंदर मिट्टी में मैन्योर और फर्टिलाइजर के फॉर्म में न्यूट्रिएंट्स को ऐड किया जाता है, और इनके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस होता है इन न्यूट्रिएंट्स में। अ बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम इज प्रेजेंट इन द सॉइल विच कैन कन्वर्ट नाइट्रोजन प्रेजेंट इन इट इन द फॉर्म that can be consumed by the plants. जो मिट्टी में प्रेजेंट एक बैक्टीरिया है राइजोबियम, वो नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करता है कि पौधे उसको इजीली कंज्यूम कर सकें। राइजोबियम जनरली लिव्स इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज पीज, बीन्स, ग्राम्स एंड लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू द प्लांट्स। Thus, it has a symbiotic relationship with leguminous plants. Rhizobium जो है वो generally मटर, beans, grams और legumes जो है इनके पौधे के जड़ों में रहता है, और ये पौधों को nitrogen provide करने का काम करता है, और ये भी एक symbiotic relationship है leguminous plants के साथ। Thanks for watching dear students. I hope you like this video. Don't forget to hit the like button and subscribe to CSE tutorial. Check the description box to contact us.